चलिए ले चलते हैं आपको एक और बड़ी खबर की ओर। जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दिनों से भारी बारिश और बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते जगह जगह लैंडस्लाइड और एवलांच की घटनाएं हो रही हैं। इसी बीच जम्मू कश्मीर के रियासी में एक कच्चा मकान लैंडस्लाइड के कारण ठह गया। इसमें एक महिला और उसके 3 बच्चों की मौत हो गई और अन्य 2 लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे रविवार को लगातार दूसरे दिन बंद है। वहीं रामबन जिले के ढालवास इलाके में लैंडस्लाइड के कारण सड़क पर मलबा जमा है। मुगल रोड पर शनिवार को एवलांच हुआ, यहां फंसे 60 ट्रैक्टरों को मैकेनिकल विभाग ने रेस्क्यू किया। इधर मैदानी इलाकों में आंधी बारिश और वज्रपात का दौर जारी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में शनिवार को बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। झांसी में देर शाम ओले भी गिरे। राज्य के 50 जिलों में और गरज के साथ आंधी बारिश का अलर्ट है। वहीं पंजाब और हरियाणा में भी कल पूरे दिन बारिश और ओलावृष्टि हुई। वहीं हरियाणा के भी 46 शहरों में आज भी बारिश और ओले का अलर्ट है। मौसम विभाग ने बारिश के साथ 70 से 60 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं चलने की संभावना बताई है। मध्य प्रदेश के गुना, अशोकनगर और शिवपुरी समेत कई जिलों में कल आंधी बारिश और ओले गिरे। वही भोपाल, हरदा और मुरैना में भी बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, रीवा समेत 20 जिलों में बादल छाए रहने और गरज चमक का अलर्ट जारी किया है।